नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुभाष कुमार। आप देख रहे हैं एसके टेरिसन गार्डन टिप। देखिए, हमने ये अपने गार्डन के लिए एक पार्ट बनाया है, बहुत ही शानदार पार्ट बना है। ये मात्र जो है एकदम फ्री में बना है, इसका कोई खर्च नहीं लगा है। आप चाहें तो इस तरह के पार्ट बना करके अपने गार्डन की शोभा बढ़ा सकते हैं। इस तरह के जो फूल आते हैं, इसमें अगर लगा लेते हैं तो बहुत ही खूबसूरत नज़र आएगा। तो इस तरह से देखिए, हम एक दूसरा आज बनाए हैं। इस तरह से देखिए, अभी बना के रखे हैं हमने इसको, उससे थोड़ा बेहतर ये हुआ है। तो घर में जो सुराही मटके पूजा के लिए आते हैं, उन सबों से ही इस तरह के शानदार गमले आप बना सकते हैं और बहुत ही बढ़िया बन जाते हैं। कोई भी खर्च नहीं लगता है। इस तरह से अगर बना लेते हैं तो आपकी गार्डन की शोभा भी बढ़ेगी और फ्री में गमले भी इस्तेमाल होंगे। तो आइए वीडियो शुरू से देखते हैं कि कैसे बनाया था हम इसको। दोस्तों, गार्डनिंग में पार्ट की बहुत कमी धीरे धीरे होने लगती है। हमें फ्री में पार्ट बनाना बताऊँगा मैं आपको आज। देखिए, ये फ्री में हमने पार्ट बनाया है जो आप भी बना सकते हैं, बहुत ही खूबसूरत पार्ट। इसमें चाहें जो भी फ्लावर लगाना चाहें लगा सकते हैं। इसको हमने अभी पेंट किया है और चूना और जो है कलर में जो बच्चों को कलर करने वाला होता है उसी से हमने पेंट किया है। हमें पेंटिंग अच्छी नहीं आती, इसलिए आप चाहें तो खूब अच्छी तरह से पेंट कर सकते हैं। देखिए, ये कितना सुंदर पॉट है जो आप गार्डन में इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको हमने इस तरह की जो है हमारे घर में पूजा के लिए जो कलश वगैरह आते हैं उसी से बनाया है। देखिए कितनी शानदार बन गया है। तो दोस्तों, आप भी इस तरह से बना लेंगे, इसमें जो कोई भी प्लांट लगाएंगे बहुत अच्छे से ग्रो करेगा, क्योंकि ये मिट्टी का बना हुआ होता है। तो ऐसे पार्ट बनाने के लिए आपको किसी खास चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ती, आप बहुत इजीली बना सकते हैं। इसको हमने इसी से बनाया है। ये जो सुराही है, ये एक पॉट देखिए, ये है कलश है, ये कलश से हमने इसको बनाया है। इसमें हमने पॉट लुका लगा दिया है। आप चाहें तो इस तरह से भी बना सकते हैं या फिर नीचे वाला यन्ना जोड़ करके इसको हैंगिंग भी बना सकते हैं और बहुत ही अच्छा लगेगा। इसको भी अगर हम कलर कर देते हैं तो बहुत ही खूबसूरत लगेगा। जिस तरह देखिए, एक बिल्कुल खूबसूरत पार्ट बन गया है। इसमें आप कोई भी प्लांट फ्लावर के लगा सकते हैं। जब इसमें फ्लावर का प्लांट लगाएंगे और खिलेगा और गमला भी खूबसूरत दिखेगा तो बहुत ही अच्छा गार्डन का लुक आएगा आपका। तो आइए बताते हैं इसे हमने कैसे बनाया है, जो आप भी बहुत ईजिली बना सकते हैं। वीडियो हमारी अगर अच्छी लगी तो अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा। मैं गार्डनिंग से संबंधित बहुत सारे वीडियो हमारे चैनल पर अपलोड है, आप जाके देख सकते हैं। निकाल करना है ये वाला हिस्सा और ये नहीं करना है, और ये वाला हिस्सा नीचे स्टैंड के लिए। और इसको आप जो है आरी से भी काट सकते हैं, इसे इस तरह के आपके पास टूल हो तो काट सकते हैं, या फिर सब्जी बनाने वाला एक तरफ जो दांतेदार कटर होता है उससे भी आप काट सकते हैं। इसको इस तरह से हम घिस घिस के काट लेंगे, बहुत ईजिली कट जाता है क्योंकि ये मिट्टी का बना होता है, तो आप इसे बहुत आसानी से काट सकते हैं। इस तरह से बराबर बराबर काटते जाएं। काटने के बाद इसको हम बाद में बालू कागज से रगड़ सकते हैं। देखिए, इसको हमने इतना काट दिया, अब इसे जो है थोड़ा सा और काटेंगे तो ये निकल जाएगा, अलग हो जाएगा। या दोस्तों, आप इस तरह के कटर से भी काट सकते हैं। देखिए, आरी से टाइम लग रहा था तो हमने जल्दी करने के लिए ये कटर इस्तेमाल कर दिया। इस तरह से हमने काट दिया, कट गया है, देखिए निकल गया। अब इसको हम बालू कागज से अच्छी तरह से मार लेंगे। आइए इसको भी काट लेते हैं, तो इसको भी हम काट लेंगे इसी तरह से। देखिए इसको भी हमने इसमें से काट के निकाल दिया है और इसे रगड़ के गोल भी कर दिया है। अब इसका हमें ज़रूरत नहीं है, इसे हम तोड़ के गमले के थोड़ा थोड़ा तोड़ लेंगे, गमले के नीचे पेदी में जो मेन होल पे रखने के लिए काम आ जाएगा। और देखिए, ये हमने काट लिया, इसको स्टैंड हम इसलिए बना रहे हैं कि इस तरह से रखेंगे और इस पर फिक्स कर देंगे। तो देखिए कितनी अच्छी तरह से ये शानदार बन चुका है। अब इसको हम इस पर जो है सीमेंट से या प्लास्टर या पेरी से भी चिपका सकते हैं, इस तरह से चिपका लेंगे और इसे पेंट कर देंगे तो बहुत ही शानदार गमला बन जाएगा। दोस्तों, ऐसा गमला बनेगा कि जो देखने में भी बहुत खूबसूरत होगा और खूब अच्छी तरह से इस पर जो है फ्लावर फूल कुछ भी लगा सकते हैं। आप चाहे फ्रूट के भी प्लांट या सब्जियों के प्लांट या फल वाले प्लांट खूब आसानी से लगा सकते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा दोस्तों। देखिए दोस्तों, इसको फिक्स करने के लिए, ये हम गमले को फिक्स करें, थोड़ा सा ये सीमेंट चाहिए। इसको पानी से हम थोड़ा सा मोटा लिक्विड बना लेते हैं, एकदम पतला नहीं करना है।
इस तरह के हम लिक्विड बना लेंगे। उसके बाद इसे हम इस तरह के उल्टा कर देंगे। इसका गोलाई का निशान हमने पेंसिल से पहले ही बना लिया है। इसको बीचों बीच इस तरह से रख देंगे और इसके होल में, ये जो होल बनाए हैं हमने, देखिए ड्रेनेज होल बनाए हैं हमने, इस ड्रेनेज होल को हम इस तरह से लकड़ी इसमें डाल देंगे ताकि इसमें बू ना जाए। मेन होल में हम लकड़ी डाल देते हैं कि जहाँ ड्रेनेज है। उसके बाद ये लिक्विड जो हम बनाए हैं इसमें चारों ओर थोड़ा थोड़ा फैला देंगे ताकि ये अंदर से पकड़ बन सके, ताकि हमें उठाने पे ये जो है ये स्टैंड इसका अलग ना हो। तो इसमें अच्छी तरह से डाल देने के बाद, बहुत ज़्यादा नहीं भरना है क्योंकि मिट्टी पे भी सीमेंट बहुत तेज़ी से चिपकता है, क्योंकि हमारे मकान बनाते समय ईंट जो है मिट्टी का ही होता, पक्का सेम ईंट की तरह ही पक्का रहता है। तो इस किनारे किनारे इसको कर देंगे, अंदर से सील हो जाएगा, उसके बाद हम ये किनारे किनारे भर देंगे। दोस्तों इस तरह से लगाने के बाद हम ब्रश से पानी भिगो के इसे मार के देखिए बिल्कुल क्लीन कर देंगे। इसे मार मार के जो एक्स्ट्रा हमारे पास सीमेंट है निकाल देंगे, पानी में डाल के जैसे ही हम मारेंगे एकदम क्लीन हो जाएगा। ये देखिए कितना सॉलिड हो गया है ये अंदर भी। तो इस तरह से एकदम चिकना कर देंगे। उसके बाद दिन भर सूखने के लिए छोड़ देंगे। दिन भर सूखने के बाद कल इसको हम फिर पेंट कर देंगे तो कुछ इस तरह से आ जाएगा। देखिए हमारा जो ये है पेंट करने के बाद इस तरह से आ जाए। आप डिज़ाइन चाहें जो भी पेंटिंग का बना सकते हैं, हमें अच्छी तरह से पेंट नहीं कर पाए हैं हम, तो आप इस तरह से बना सकते हैं। और उसके बाद इसे जो है इस लकड़ी को धीरे से निकाल दें और इसको हम उल्टा करके रख देंगे। देखिए दोस्तों अब परफेक्ट एकदम हो गया है। अब ये उल्टा भी कर देंगे तो गिरेगा नहीं क्योंकि तुरंत ही सेट हो जाता है। उसके बाद इसे हम देखिए मेन होल भी बना दिए, इसको इस तरह से रख देंगे और दिन भर के लिए यूं ही रहने देंगे। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें दोस्तों। इस तरह से मैं वीडियो बनाता रहूँगा और आपको कम खर्च में गार्डनिंग करने का टूल भी बताता रहूँगा जिससे आप आसानी से गार्डनिंग कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो।